जहीर इकबाल और प्रनुतन बहल की ये फिल्म वाकई एक स्टनिंगली रोमांटिक फिल्म है। फिल्म नोटबुक से प्रनुतन बहल और जहीर खान ने अपना अपना डेब्यू किया है। ये कहानी मॉडर्न टाइम की बिल्कुल नहीं है। नोटबुक आपको पुराने दिनों के रोमांस की याद दिला देगा, जहां बिना मिले ही दो लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर नितिन कक्कर ने और इस फिल्म की शूटिंग हुई है कश्मीर की हसीन वादियों में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है, जहाँ एक छोटे से स्कूल में जहाँ महज 7 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ दो टीचर्स एक दूसरे से बिना मिले ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, वो भी एक नोटबुक के जरिए। जहाँ एक एक्स आर्मी ऑफिसर अपने पिता के पुराने स्कूल में पढ़ाने के लिए बतौर टीचर आता है, हालांकि उसके पास टीचिंग की कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती, जिस वजह से उसे काफी तकलीफें झेलनी पड़ती है। इस रोल को निभाया है जाहिर इकबाल ने, लेकिन कहानी में उसे एक डायरी मिलती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये डायरी होती है फिल्म की हीरोइन फिरदौस की, जो किरदार निभाया है प्रनुतन बहल ने। आपको बता दें कि फिल्म का म्यूजिक भी काफी ज्यादा एंगेजिंग है। हालांकि इस फिल्म की ड्रॉबैक है इस फिल्म का स्लो पेस। फिल्म में रोमांस की कोई कमी नहीं है, हर चीज बिना ड्रामे की दिखाई गई है, लेकिन जब तक फिल्म अपना पेस पकड़ती है फिल्म का अंत हो जाता है। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो दोनों ही डेब्यूटेंट एक्टर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अपने अपने किरदार को दोनों ने ही काफी सिंपल तरीके से निभाया है, हालांकि इन दोनों के बीच केमिस्ट्री की थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन ओवरऑल इन दोनों ने ऑडियंस के लिए काफी अच्छा शो अप किया। ओवरऑल हमारी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।